पूरे महाराष्ट्र में हर साल बड़े ही उत्साह से नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि उत्सव सभी शहरों में, महानगरों में, ग्रामीण भागों में भी इस उत्सव के प्रति पूर्ण तैयारी हो चुकी है। आज तुमसर तहसील के जाने माने गांव जिसकी बात राजनीति की गलियारों में होती है, ऐसे ही सिहोरा नगरी में श्री तरुण बाल मित्र शारदा उत्सव समिति साई कॉलोनी सिहोरा की ओर से माँ शारदा के आगमन पर विशेष साज सज्जा की गई है। इस समिति ने इस वर्ष कुटिया गौशाला तैयार की है, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर तरह सजाया गया है। कुटिया में विशेष तौर पर माँ शारदा जी की प्रतिमा को 9 दिनों के लिए स्थापित किया गया है। साथ में मुनि जी प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया है, ऐसे में गौ माता के प्रति जागरूक के उद्देश्य से गौशाला बनाई गई है। इस समिति में विशेष रूप से सेवा देने में देवी ढकाते सर, नरेंद्र पत्री, दिलीप बिसेन, सुनील सांडेल, अरविंद बाकड़े, विवेक सचिन सांडेल, श्रीपाद गणेश निमाचे, आयुष सुरेश चौहान, श्रीष राउत, चैतन्य हरिनखेड़े, पुष्पक ढकाते, शिवम सारंगपुरे और अन्य सभी सदस्यों ने प्रयास किया है। आइए जानते हैं समिति के विशेष संयोजक डेविड धमकाते सर से। सभी माता के भक्तों को श्री तरुण बाल मित्र शारदा उत्सव मंडल साई बाबा कॉलोनी सिहोरा की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल की तरह परंपरा के अनुसार इस साल भी साई कॉलोनी सिहोरा में माता शारदा और घटस्थापना का यहाँ पर आयोजन आज किया गया है। आज से नवरात्रि तक यहाँ पर अनेक कार्यक्रम चलेंगे, जैसे देवी जस जागरण और समाज को प्रबोधन पर कीर्तन और भारूढ़ कीर्तन, ऐसे रंगारंग कार्यक्रम इस साल रखे गए हैं। इस साल हमने माता की कुटिया बनाई है, जिसमें राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज की एक कविता मराठी में जो लिखी है उन्होंने कि या झोपड़ी तो माझा, जिसका सार हमें बतलाता है कि जैसे राजा हो या कोई और अमीर आदमी जिसको अपना महल और बंगला प्यारा होता है, वैसे ही एक सामान्य इंसान को उसकी कुटिया प्यारी होती है, उसका मकान प्यारा होता है, या एक सामान्य और हमने नैसर्गिक ऐसी यहाँ कुटिया इस साल हमने बनाई है। तो हम सभी भक्तों को और सभी नागरिक के लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि इस साल हमारे इस नवरात्रि उत्सव में यहाँ पर आकर माता जी के दर्शन और रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लें। NBC न्यूज़ के लिए सिहोरा से रणधीर नीमा की रिपोर्ट।